नमस्कार। अब तो हर हफ्ते आपसे मिलता हूँ, ये बात मैं क्या ही जताऊँ। आप तो जानते ही हैं, बंदे को एचे रामी कहते हैं। अब हम क्या ही बताऊँ, मन बताओ। तो दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट। फेवरेट क्या? फेवरेट किसका? फेवरेट मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। अबे पागल है क्या तू? मैं किसी का ऑर्डर नहीं ले रहा। ओए फटके और झटके, ये कोई आइसक्रीम पार्लर नहीं है। और हरामी, ये मुंह मिया मिट्ठू होना बंद कर दे। ओके, बॉस को नहीं गुस्सा दिलाते हैं, सीधे मेहमान को बुलाते हैं। तो एक वक्त पहले ये गैंगस्टर हुआ करते थे, लोग इनसे बहुत डरते थे। लेकिन आजकल इन्होंने वो रास्ता त्याग दिया है। अब ये एक नई विधा निभाते हैं, झोपड़पट्टी में अच्छाई का स्कूल चलाते हैं। तो स्वागत करिए तालियों के साथ, जो नहीं बनाते हैं कोई भी बहाना। आज के हमारे मेहमान हैं रफीक काना, बोले तो सबसे शाना। अबे एचे रामी ने लगता है आज किसी भाई को बुलाया है। किसके भाई को बुलाया है? भाई बोले तो अंडरवर्ल्ड का भाई। कौन सा अंडरवर्ल्ड? कैसा अंडरवर्ल्ड? मैंने तो अंडरवियर सुना है। चुप बे झटके। अबे हरामी, ये किस गुंडे को बुला लिया तूने? अरे सर, वो पहले वो काम करते थे सर, आजकल उन्होंने वो काम छोड़ दिया है सर। तो स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ उनका, जो नहीं बनाते हैं कोई भी बहाना। आज के हमारे मेहमान हैं रफीक कावा, बोले तो सबसे शाना। इस दुनिया में सबसे शाना, बोले तो रफीक काना। अभी दुबला पतला हूँ, लेकिन इन वक्त था जब मैं काम करता था मर्दाना। अबे हरामी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया जरा सबको बताना। अबे ये तो काफी में बात कर रहा है, कोई नई भाषा है क्या? ये नई भाषा नहीं है, ये राइमिंग में बात कर रहा है। ये पोएट है क्या जो राइम कर रहा है? हाँ, ये वो पोएट है जो पहले बंदूक से बात करते थे, समझा? या थूक दूँ क्या तेरे को? बॉस लाइन मत करो क्रॉस। तो रफीक खाना जी, आप बैठ जाइए। अरे सलाना आराम भाई, तुम सलाम सलाना बोल दी थे। और तुम पंटरों को भी सर। तो रफीक खाना जी, आपका इंट्रो हो चुका है, अब आप बस मेरे सवालों का जवाब। अबे खजूर, दिमाग का दही मत कर, सवाल पूछ, टाइम कोटी मत कर। अबे गाड़ी भूल गया आज। अच्छा तो रफीक काना जी, मेरा पहला सवाल ये है कि हमने सुना है आप एक शार्प शूटर हुआ करते थे, क्या ये बात सच है? अबे वो एकदम वास्ट था, बोले तो वो अपन का पास था, प्रेजेंट में अपन अच्छा बन रहा है, सच्चाई का स्कूल चला के सच्चा बन रहा है। अबे क्या वाह कर रहे? अबे झटके ज्यादा वाह मत करो, वरना कुर्सी सरक जाएगी, फिर गाते रहना। सर की जो कुर्सी वो धीरे धीरे जमीन पर गिरा मैं धीरे धीरे। ओ हरामी, लगता है आज फिर तुझे किसी गाने वाले कुत्ते ने काटा है, ये मत भूल मेरे जूते का ब्रांड भी बांटा है। वाह बहुत ठीक है, क्या रात चांदूस बोला बच्ची, बात करने लगता हूँ सच्ची। तो रफीक काना जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने वो रास्ता क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रेहमान ने मेरे दिल को तोड़ दिया। वो होनी, ये रास्ता छोड़ दे वरना मैं तेरे को छोड़ देगी। बेचारी कुछ ऐसा काम कर गई, ए और बी के गैंगवार में बेचारी मर गई, उसी गैंगवार में मेरी आंख चली गई। तब से रफीक साना बन गया रफीक का रहा। तू अक्सर जो भी चाहा वो मिला, पर दिल का गुल न खिला, दिल की खुशी तो मिलती जो प्यार से करता ये जहां। अरे हरामी भाई, सच्ची बोले ना, क्या गाना है तुमने यार? प्रॉब्लम बोले तो बड़े हो गए, रोंगटे बोले तो खड़े हो गए, क्योंकि रफीक का सबसे कंट्रोल। रफीक कंट्रोल। तो मेरा तीसरा सवाल ये है कि कैसे कट रहा आपका आज है, ये अच्छाई स्कूल का क्या राज है? अब उनको सबको ये बताना चाहिए कि बुराई के रास्ते को छोड़ के सच्चाई के रास्ते पर आना चाहिए, तभी बदलेगा ये जमाना, बोले तो रफीक का सबसे। वाह क्या उम्दा ख्याल रखा है आपने। लेकिन क्या आपको लगता है कि आजकल के युग में
कोई आपकी अच्छाई के स्कूल में आएगा? ये इंस्टा AI चैट GPT का जमाना है, क्या सच में कोई ये सबक सीख पाएगा? ये अच्छाई वाला स्कूल भी एक दिन बंद हो जाएगा। गर्मी में ठंडे ठंडे पानी से नहाना होता है और अंधेरा दूर करने के लिए बस एक दिया जलाना होता है, समझा क्या रफीक का? बोले तो सबसे चाणा। वाह वाह रफीक भाई, आपने कमाल कर दिया, बहती हुई नदी का रुख मोड़ दिया, आपने तो पानी और आग को एक साथ जोड़ दिया। आए वाले एपिसोड में आपने ज्ञान का विस्फोट कर दिया, हम समझे थे वो अनपढ़ आया है, आपने हम सबको क्लीन बोल्ड कर दिया। रफीक भाई बोले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप यहाँ आए और चल रहा है बोन। आपने हमें सच्चाई का रास्ता दिखा दिया, ऐसी भाषा में भी हमें सब कुछ सिखा दिया। आज बातों बातों में यही समाप्त करता हूँ और हम सब रफीक भाई की बातों पर चलेंगे, ऐसा दम मैं बढ़ता हूँ।